उसके बाद में बच्चों मैंने इसके पहले आपको पता है सेक्शन ए सेक्शन मतलब सेक्शन 1, 2, 3 आज का फोर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर ये करोगे तो आप लोगों को टोटल 19 मार्क मिलने के चांसेस है और वो भी कम प्रिपरेशन में, मतलब थोड़ा भी आप लोगों ने इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग ढांचा बोलेंगे उसको, वो ढांचा भी करते हो ना तो भी आप अच्छे नंबर्स ला सकते हो बच्चों, कोई नहीं रोक सकता आपको इससे। और बहुत ही इजी पार्ट है, इसमें से हम लोग बिल्कुल मार्क ले सकते हैं, राइटिंग कम्युनिकेशन पार्ट बोलता है। 6 क्वेश्चन नंबर होता है लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग में क्या चेंज हुआ, जो बच्चों आप लोग यहां लिखते थे राइट साइड में वो चीजें यहां लिखनी है यार। देखो बच्चों जो चीज यहां लिखते थे मतलब जो राइट साइड में वो लेफ्ट साइड में लिखना, जैसे कि आप यू आर ऐसे लिखते थे फेथफुली जो भी, तो बच्चों ये कहानी यहां लिखनी, बस ये चीज, बस यहां यहां मतलब इधर लिखना नहीं है जो भी, यही चेंज है। मुझे बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आ रहे थे या बहुत सारे बच्चों के मैसेज व्हाट्सएप पे आए थे, तो बच्चों कुछ नहीं, जो चीजें यहां लिखती थी ये एक्स वाई जेड जो भी होगा आपका, इसको कट करके आपको राइट साइड में यहां इधर लिखनी है, बस इतना पार्ट है। और कैसे लिखनी है आपको इस पीडीएफ फाइल में मिल जाएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो लेटर राइटिंग में बच्चों आप लोगों को जो लेटर राइटिंग दी गई है उसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है लेटर राइट किसको लिखना है, प्रिंसिपल, आपके कॉलेज के जो राइटर लेटर ऑफ प्रिंसिपल को लिखना है। उसमें से कैसे, जैसे कि मुझे लीव लेना है 8 दिन की लीव लेना है तो वो टाइप पे हो सकता है, बोनाफाइड चाहिए, कोई काम के लिए बोनाफाइड होता है ना, लगता है बोनाफाइड कभी कभी कॉलेज से, तो इसके ऊपर होना चाहिए। लाइब्रेरी का कुछ ड्यू लिखा है, मतलब ड्यू लगा है आपको, कोई बुक्स फट गई आपके गुम गई है तो सर मैं पैसे नहीं भर सकता कुछ कर सकता, जो भी लिखना है लिख सकते। वैसे लेबोरेटरी में जो प्रैक्टिकल लैब होती है उसमें भी होती है कुछ चीजें खराब हो जाती है हमारे से, उससे ड्यू लगता है उसके लिए लिख सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें जो भी कॉलेज के रिलेटेड एप्लीकेशन लिख सकते हो उसके ऊपर एक बार ध्यान से देखना है। उसके और में बच्चों हम लोगों को क्या करते हैं कि यहां पे जो लेटर होता है वो कंप्लेंट लेटर होता है, ठीक है, कंप्लेंट लेटर मतलब जैसे कि हमारे कॉलोनी में म्यूनसिपल पार्टी वाले की कोई प्रॉब्लम्स है तो हम लोग इसके ऊपर लिख सकते हैं, जैसे कि कोई ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रीट लाइन जो होती है हमारी उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई गार्बेज की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो कंप्लेंट लेटर भी एक बार अच्छी तरह से आपको देखना है। कैसा होता है क्या होता है वो लेटर मैंने यहाँ पे आपकी पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। उसके बाद में बच्चों हम लोग बात करने वाले जो इसके लिए आपको सबसे मेन 4 मार्क्स हैं, एक तो आप अपने प्रिंसिपल को लेटर या कंप्लेन लेटर, ऐसे 2 टाइप के ही लेटर अच्छी तरह से कर लो, ये दोनों में से एक तो आप पक्का ही पक्का लिख सकते हो, ये फिक्स है, इसमें कोई मतलब बोलते हैं ना बच्चे कि सर हमको ये दे दो थोड़ी गेसिंग दे दो, गेस देने की कोई जरूरत नहीं बच्चों, ये फिक्स आने ही वाला है और इसका ढांचा समझ लो, बस लिख लो यहाँ पे। उसके बावजूद बच्चों हम लोग काम कर सकते हैं बी सेक्शन जो है हमारे पास, वो भी 4 मार्क के लिए, ए सेक्शन है 6 में, ये बी सेक्शन, बी सेक्शन में बच्चों हम लोग लीफलेट लिखना है। तो लीफलेट कैसे होता है क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे दे चुका हूँ, आप लोगों को इसको जो पीडीएफ फाइल भी मिल सकती है लीफलेट की, या आई बटन में आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। लीफलेट कैसे होता है, तो टूरिस्ट लीफलेट होता है, जैसे कि महाबलेश्वर के ऊपर मैंने दिया, उसमें कहाँ गए थे, अकोमोडेशन कैसा है, जाने की व्यवस्था, रेलवे है, ट्रेन है, मतलब ट्रेन है, बस है, प्लेन से सातारा, वो सब कुछ चीज़ें ली, वहाँ पे क्या क्या शॉपिंग सेंटर कैसा है, फूड की व्यवस्था क्या है, रहने की व्यवस्था, मैंने पूरे पॉइंट टू पॉइंट समझा के दे चुका हूँ। उसके और में होता है बच्चों न्यूज़ राइटिंग। देखो ये सेक्शन हमारे पास 4 मार्क के लिए है, लीफलेट हो सकता है या उसके और में आपके पास न्यूज़ राइटिंग, लेकिन मेरे ख्याल से बच्चों न्यूज़ राइटिंग के अच्छा यही है कि लीफलेट लिखो, लीफलेट बहुत इजी होता है बच्चों, क्वेश्चन दिए रहते हैं बस, हाउ टू रीड देयर, वेयर टू स्टे, व्हाट टू सी यू, है ना, शॉपिंग अट्रैक्शंस क्या है वहाँ पे, स्पेशलिटी क्या है उस प्लेस की, सिंपल सिंपल सी चीज़ें होती है, क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए लीफलेट लिखना ही मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, वो आपके हिसाब से सोच सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में बच्चों जो होगा सेक्शन सी, देखो ये ए है, ये बी सेक्शन है, उसमें सी सेक्शन में बच्चों ये और में था आपके लिए, ठीक है, इसमें भी और में 2 लेटर बताया मैंने, प्रिंसिपल को लिखना है लेटर या और में कंप्लेन लेटर होता है, ये 2 लेटर में से कोई भी एक लिख सकते हैं। उसके बाद में काउंटर व्यू जो बच्चों वो निगेटिव व्यू, जैसे कि उन्होंने बताया कि रीडिंग द फॉलोइंग व्यू सेक्शन डेवलप द काउंटर व्यू,
सेक्शन इन अबाउट द 120. अब आपको पता है बच्चों कि आजकल जो मोबाइल का ही उन्होंने दिया वाला हैंडसेट के बारे में, तो निगेटिव क्या लिख सकते हैं उससे, बच्चों पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, है ना. वो काउंटर व्यू आप अपना अच्छी तरह से व्यू लिख सकते हो. इससे अच्छा बच्चों मेरे ख्याल से इसी सेक्शन में बच्चों जो काउंटर व्यू दिया वाला है, ठीक है, जो काउंटर व्यू है इसको आपको 4 मार्क्स है. उसके और में बच्चों जो दे वाला है वो है इंफॉर्मेशन, क्या है, ट्रांसफर. इसके और में बच्चों, ठीक है, मतलब ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है. मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफार्मर लिखना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको एक पैसेज जैसे दे वाला रहता है रोड एक्सीडेंट इन इंडिया, जैसे दे वाले चीज है, उसमें से कुछ सेंटेंस बना सकते हो ना, मतलब अच्छी तरह से अगर पैसेज बनाना है आपको और वो एक पैसेज में लिखना है, अच्छी तरह से लिखना है, मतलब पैसेज लिखना बहुत इजी होता है काउंटर व्यू से भी. ये इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर दी वाली है उसमें श्योर नंबर आने के चांसेस होते हैं बच्चों. तो इसीलिए देखो इस सेक्शन में 4 4 4 12 मार्क हो गए बच्चों अपने. ये क्वेश्चन 6 में 12 मार्क के लिए है. लेटर राइटिंग कोई भी लिख सकता है. थोड़ा आपको लेटर राइटिंग कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं इसको आपको पीडीएफ फाइल में मिल रही है. उसके बाद में लीफलेट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूं. ये काउंटर व्यू से अच्छा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर रहे ये भी अच्छी तरह से आप लोगों को दे दूंगा. तो ये देख लेना बच्चों कि ये कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए. इसके अलावा बच्चों हम लोग देखने वाले क्वेश्चन 7 में बच्चों ए है. इसको आपको टोटल जो ए सेक्शन को आपको 4 मार्क्स है. ये मार्क्स कोई भी बच्चा ले सकता है. यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन होते बच्चों, है ना, इंटरव्यू. जैसे कि विराट कोहली का आप लोग इंटरव्यू ले रहे तो क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, है ना. जो भी क्वेश्चंस होंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ लेना. जैसे कि मैंने क्वेश्चन कैसे होते क्या होते इसके ऊपर भी मैंने आपका एक वीडियो बना है, वो वीडियो देख लेना बच्चों अच्छी तरह से. मैं उसकी प्लेलिस्ट ही बनूंगा, जो इंग्लिश के लेक्चर है उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा. प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश एचएससी बोर्ड ऐसे प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा. तो इसमें आपको क्वेश्चन कितने पूछना है, वैसे तो 8 क्वेश्चन पूछना चाहिए, मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन पूछना चाहिए बच्चों, क्योंकि एक दो क्वेश्चन गलत भी हो गया तो भी आपको 4 में से 4, मतलब आपको हर क्वेश्चन के लिए आधा मार्क, हर क्वेश्चन में आधा मार्क, है ना. तो जो भी आपके जो भी जैसे कि फार्मर के बारे में क्वेश्चन पूछना है, फार्मर को क्वेश्चन पूछना है आपको. इमेजिन यू गोइंग टू इंटरव्यू सम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनल होगा उसके बारे में कोई नेता को क्वेश्चन पूछ सकते, कुछ भी. 8 to 10 क्वेश्चंस होंगे आपके लिए और वो एक्टिविटी बेस पे होते हैं. तो वो आपको ऐसे 8 क्वेश्चंस के जगह 10 क्वेश्चंस WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं, पता है आपको WH टाइप, है ना, वो क्वेश्चन पूछना ही पूछना है. तो उसके बाद में बच्चों ए सेक्शन हो गया. बी सेक्शन आपको बच्चों 3 मार्क्स के लिए, मतलब ये क्वेश्चन है 7 मार्क का. ओके, इसमें होता पिच जो राइटिंग होती बच्चों, इसमें मैंने आपको ऑलरेडी पिच राइटिंग के बारे में, जैसे कि कोई कॉलेज है उसका ढांचा बना के दिया है मैंने, उसमें से जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसके अंदर वर्ड डालना पड़ेगा आपको, बस इतना ही काम करना है. जैसे कि महात्मा गांधी जयंती उसके ऊपर आप लोग पिच दे रहे, या ट्री प्लांटेशन से उसके बारे में पिच दे रहे हैं, कुछ भी जो भी आपके सोशल नेटवर्क में जो भी काम हो रहा है उसके कारण जो भी स्पीच दे रहे हो उसकी पिच राइटिंग देके आपको 3 मार्क बच्चों लिख सकते हैं, 3 मार्क. तो इसलिए बच्चों बता रहा हूं, देखो दोबारा 1 2 3 4, मतलब 16 और ये 3 और 19 मार्क. ये 19 मार्क का ग्रामर के पीडीएफ फाइल विद प्रूफ है मेरे पास इस चैनल पे, तो आप लोग देख सकते हो और अच्छे नंबर्स ला सकते हो. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक यूर एग्जामिनेशन. लास्ट में बच्चों एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को, अगर ये नहीं मिल रहा है तो मार्केट में प्रगति बुक होती है, प्रगति बुक मेरे ख्याल से वो बहुत बढ़िया बुक है, उसमें भी मिल जाएगा. इसके अलावा बच्चों मैं पीडीएफ में फाइल में तो आपको जितनी चीजें मिलेंगी उतनी मैं पीडीएफ फाइल में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा. उसके अलावा बच्चों व्हाट्सएप पे भी मेरा एक ग्रुप होता है, मतलब न्यू ब्रॉडकॉर ग्रुप, आपको दिखाई नहीं देता वो ग्रुप में भी, अगर ग्रुप के लिए मेरा नंबर चाहिए तो ये ग्रुप से बच्चों इसमें मैं अपनी जो नोट्स है वो नोट्स भेजते रहता हूँ. 8600674026 पीडीएफ फाइल में अगर नोट चाहिए, बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि उत्तम पेपर सॉल्यूशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बाय की मिली नहीं अभी तक, मिल जाती तो वो भी सेंड करूंगा. तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करना है खुद का नाम, कहां से रहते हो, मैं नंबर सेव करके आपका नंबर उस ग्रुप में ऐड करते रहता हूं, ताकि आप लोगों को बच्चों जितनी भी चीजें चाहिए उतनी चीजें मैं प्रोवाइड करने का काम करता हूं. बच्चों इसके अलावा यहां पे एग्जाम में मैंने जैसे सेक्शन 4 बताया है,
सेक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आई विल रिपीट बच्चों, सेक्शन फर्स्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस अनसिंस मैसेज है, दो सिंस बुक्स में से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, बुक्स में से ही दो पैसेज आने वाले हैं, 15-15 मार्क है उसके ऊपर बच्चों, अनसिंस के लिए 15-45 मार्क है, 45 मार्क्स है बच्चों, पोएट्री भी आपके ही बुक्स में से आने वाली है, 8 मार्क है। सेक्शन जो थर्ड है बच्चों, उसमें हमने पढ़ा था कि रैपिड रीडिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है, उसमें कुछ नहीं, सिंपल सिंपल सी चीज होती है, मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा सेक्शन फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंस, 19 मार्क के लिए है, सिंपल चीजें, लेटर राइटिंग के लिए न्यूज राइटिंग है, लिफलेट है, काउंटर व्यूज है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफार्मर है, आपको इंटरव्यू क्वेश्चन है। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे आप लोगों को लास्ट एंडिंग में पिच जो होता है स्पीच के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, लेकिन सर ये करो वो करो अभी करना पॉसिबल नहीं है, जितनी दी वाली चीजें वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की मेरे हिसाब से कोशिश की है बच्चों। मेरे ख्याल से सबका पेपर अच्छा जाना चाहिए, सबको बेस्ट लक। और दूसरी बात बच्चों, जब भी आप अपने सेंटर पे जाओगे तो मैं लाइव आने वाला हूँ कंटिन्यूसली, एग्जाम होने के बाद फिजिक्स के पेपर के पहले 4 दिन, तो सब बच्चों को YouTube के बारे में, मेरे चैनल के बारे में बताना है, ये आपका खुद का चैनल है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश करना है। उसके अलावा बच्चों अगर ज़्यादा लाइव बच्चे आएंगे तो मुझे भी सुकून मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आने से बच्चों का बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। कंटिन्यूसली बच्चों पूरा फिजिक्स कवर कर दूंगा, डेरिवेशन तो पूरे कर दूंगा, यकीन के साथ बोल रहा बच्चों, अगर 4 दिन फॉलो करेंगे तो 90 नंबर्स भी ला सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बेस्ट लक योर एग्जामिनेशन।